नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। आज 26 दिसंबर है और आज के दिन से बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है, जहां मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और एक बार फिर गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से साउथ अफ्रीका की टीम को 200 के अंदर ऑल आउट कर दिया है और टेस्ट मैच का पहला दिन अपने नाम किया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने आई दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज डीन एल्गर और सरेल इर्वी ने सदी हुई शुरुआत की और पहले 10 ओवर में 28 रन बनाए और कोई विकेट नहीं दिया। लेकिन 11वें ओवर में जोस हेजलवुड की जगह खेल रहे स्कॉट बॉलेंड ने एर्वी को ख्वाजा के हाथों कैच आउट कराया और ऑस्ट्रेलिया टीम को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद एल्गर और डीन ब्रुइन ने 27 रन जोड़े और अपना दूसरा ओवर डाल रहे कैमरन ग्रीन की गेंद पर डी ब्रुइन विकेटकीपर को कैच दे बैठे। इसके बाद लंच से ठीक पहले अफ्रीका ने अपने लगातार 2 विकेट खोए, जिसमें सबसे पहले स्टार्क की गेंद पर 1 रन चुराने के चक्कर में कप्तान डीन एल्गर आउट हो गए। उसके बाद अगली ही गेंद पर टेम्बा बबुमा भी चलते बने। लंच तक अफ्रीका का स्कोर 58 रन पे 4 विकेट था। दूसरे सत्र के शुरुआत में स्टार्क ने खाया जोंडो को लबुशेन के हाथों कैच आउट कराया। यहां से लगा कि ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से अफ्रीकी की पारी को जल्द समेट देगा, लेकिन क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे मार्को यानसेन और काइल वेरिन ने पारी को संभाला और दोनों ने मिलकर टी ब्रेक तक 77 रन जोड़े और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। हालांकि ब्रेक से ठीक पहले मार्को यानसेन को एक जीवनदान भी मिला था। इसके बाद तीसरे सत्र में भी दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और नथन लियोन की गेंद पर चौका लगाकर मार्को यानसेन ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक लगाया। इसके बाद काइल वेरिन ने भी अपने करियर का दूसरा अर्धशतक लगाया और इस सीरीज में भी उनका यह दूसरा अर्धशतक है, लेकिन वो इसके बाद ज्यादा देर टिक नहीं पाए और ग्रीन ने उन्हें स्लिप में कैच आउट कराया। ग्रीन यही नहीं रुके और अपने अगले ही ओवर में मार्को यानसेन को भी पवेलियन की तरफ भेजा। इस तरह दोनों के बीच 112 रन की साझेदारी का अंत हुआ, जिसमें वेरिन ने 52 रन और मार्को यानसेन ने 59 रन बनाए। यानसेन के आउट होने के बाद ही इसी ओवर में ग्रीन ने रबाडा को भी बोल्ड कर अफ्रीका को 8वां झटका दिया। इसके बाद लियोन ने केशव महाराज को आउट कर 9वां झटका दिया और फिर ग्रीन ने लुंगी एनगिडी को आउट कर पारी में अपना 5वां विकेट हासिल किया और साउथ अफ्रीका की पहली पारी को 189 रन पर समेट दिया। ग्रीन का टेस्ट क्रिकेट में यह पहला 5 विकेट हॉल है। वहीं साउथ अफ्रीकी टीम लगातार 7वीं इनिंग में 200 का स्कोर पार नहीं कर पाई है। इसके बाद दिन का खेल समाप्त होने तक रबाडा ने ख्वाजा को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया है। हालांकि अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे डेविड वार्नर ने इसके बाद कोई विकेट नहीं गिरने दिया और स्टंप्स तक क्रीज पर डेविड वार्नर 32 रन और मार्नस लबुशेन 5 रन बनाकर टिके हुए हैं। अब दूसरे दिन साउथ अफ्रीका के गेंदबाज चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को जल्द से जल्द आउट किया जाए, तो वहीं डेविड वार्नर और बाकी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया को मैच में अपनी स्थिति और मजबूत करने की तरफ देखेंगे। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।